नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के पीएपी चौक में लुटेरों ने सैलून मालिक को बनाया निशाना। सोने की चेन, 20,000 की नकदी लूट हुए फरार। जालंधर के लेदर कॉम्प्लेक्स रोड के मोड़ पर क्रशर गाड़ी के पिछले टायरों की चपेट में आए भाई बहन, दोनों गंभीर रूप से हुए घायल। जालंधर के हरदयाल नगर में लव मैरिज से गुस्साए लड़की के परिजनों ने पति पत्नी पर किया हमला। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर शहर में गुंडागर्दी, लूट और चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं, जिसके चलते देर रात पीएपी चौक में एक लूट का मामला सामने आया है। इस दौरान लुटेरों ने सैलून से घर वापस लौट रहे युवक की कार को पहले अपनी बुलेरो गाड़ी से टक्कर मारी और जब युवक कार से बाहर निकला तो उस पर तीन युवकों ने तेजधार हथियारों से हमला कर दिया, जिसके बाद हमलावर युवक के गले से सोने की चेन और कार में रखी 20,000 रुपयों की नकदी लूटकर फरार हो गए। वहीं युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घायल के भाई शाहरुख ने बताया कि उसका भाई सूर्य एनक्लेव के पास एक सैलून चलाता है। रात को वह काम खत्म होने के बाद घर लौट रहा था कि उसके साथ ये वारदात हो गई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। छोटा शॉप तो आ रहे थे, शॉप पर आगे आ रहे थे, पिछों ना कहते बलैरो गड्डी है वो कार्रवाई कर रही थी, जिधर पिछों पीछा कर रहे थे और आंधे पिछों पहले उन्हें गड्डी ठोकी, जिधर छोटा भरा बाहर निकलिया उन्होंने आंधे पई कुटन लग पे, कुटते कुटते पई वो चैन चून खोली, पैसे जो सी कैश वो कट लिया उतो, पई कोल बंदे खड़े थे उन्होंने आके छड़ाया उन्होंने, जिदे छड़ा लगे चाबी तक खो के लगे चौक सामने नाका भी लगता है मैनू फोन आया थोड़ी देर पहला भी एदा कार वारदात हो गई है, मैं अपने कितने काम गया होगा फोन आया पी बी चौंक च मुंडिया ने गड्डी मारती है, मुंडिया ने गड्डी मारी पिछों गड्डी मार के भरा छोटा कला सी 22 साल का, 22 साल का मुंडा छोटा वो जाता पे घर जितने बाहर निकलिया गड्डी देखने वास्ते गड्डी पिछों बची है, वो मौके से 3-4 जने ने उतर के उन्हें कुटना शुरू करता, सिर सुर पाड़ता, जो गड्डी कैश है कैश चक लगे गले चैन चुन ला के लगे गड्डी चाबी तक भी ला के लगना। तुम्हारे ब्रदर का नाम की है? मेरा ब्रदर है मेरा ब्रदर शाहरुख, छोटा भरा शदाब जिसे सट लगी, ओके जिसे सट लगी यहाँ छोटा भरा। जालंधर के लेदर कॉम्प्लेक्स के पास दर्दनाक सड़क हादसे का मामला सामने आया है। दरअसल दोनों भाई बहन दवाई लेकर घर जा रहे थे कि इसी दौरान लेदर कॉम्प्लेक्स के मोड़ पर क्रशर गाड़ी के पिछले टायरों की चपेट में आ गए। हादसा इतना भयानक था कि इस हादसे में दोनों भाई बहन बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया। हादसे में घायल युवक की पहचान जोगिंदर सिंह निवासी मीरपुर के रूप में हुई है। इस दौरान घायलों के परिजन जसविंदर सिंह ने बताया कि वह घटना के दौरान तुरंत मौके पर पहुंच गए। जसविंदर ने कहा कि घटना के बाद क्रशर चालक मौके से फरार हो गया, जिसके लिए परिजनों ने पुलिस से क्रशर चालक को काबू करने की गुहार लगाई है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पिंड पिंड मीरपुर दे मेरे पिंड मीरपुर के इन्हों का एक्सीडेंट हो गया, दवा लैके आते ही भैन भरा सी दोनों जने, तो ट्रक वाले ने ट्रक मार के दौड़ गया। हाँ जी, ये बाइक से आ बाइक ये मकड़ा अस्पताल तो अपनी भैन की दवा लैके आ रहे थे, तो पिंड मीरपुर में जा रहे हैं। इस टाइम जो लेडीज है उन्होंने सट जरा ज्यादा लगी हुई है, उन्होंने लत तो पूरी तो सट ज्यादा है, दोनों पैरों से ज्यादा है। हाँ, तो जेंट्स के उन्होंने एक लत से ज्यादा सट है। जालंधर के हरदयाल नगर में गत रात्रि कुछ समय पहले लव मैरिज करवाने वाले लड़का लड़की पर लड़की के परिजनों ने हमला कर दिया। वहीं ये सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग आते हैं और एकदम से हमला कर देते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक लड़की के पारिवारिक सदस्य इस लव मैरिज के खिलाफ थे, जिसके चलते पहले भी हंगामा हो चुका है,
इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित सलोनी और दविंदर ने कहा कि परिवार वाले उनकी शादी के खिलाफ थे, जिसके चलते पहले भी हंगामा हो चुका है और अब भी ऐसा ही हुआ है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है और उनके घर पर ईंटें भी बरसाई गई हैं। इस बारे में पुलिस को जानकारी दे दी गई है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। लव मैरिज कराई थी तो कुड़ी वाले के घर ने हमला किया साढ़े घर के उपर, सू जानों मन दिया धमकियां, जानों मरण की पूरी कोशिश की थी। अब तो बहुत खलारा पाया, इट्टा उट्टा मार के गए, पचास सठ जने से दारू दूरू पीते थे उन्होंने ज्यादा। तो आ सर साढ़ा 16 तरीक में होया, 16 तरीक में होया कोर्ट मैरिज हुई है। हाँ जी। ओके, फिर उस बाद की होया कि परिवार सहमत नहीं सी या की गल? कुड़ी वाला परिवार परिवार तो सहमत नहीं सीगा, दौड़ के ब्याह करवाया। अपनी मर्जी नाल ब्याह करवाया, कल कुछ नहीं, मैंने अपनी मर्जी नाल ब्याह कराया, लव मैरिज करवाई अपा, तो मेरे घर दे नहीं मानते सी, इसलिए मैं भजना पिया घर जी। तो भज के एक महीना हो गया ब्याह नूं, ते अपा घर आए सीगे उदों भी उन्होंने अटैक किया सीगा साडे तो, फिर चलो थोड़ा बहुत होया कि उन्होंने समझा दिता, फैसला हो गया सी। फैसले तो बाद अज 10 दिन बाद उन्होंने फिर से अटैक किया, तो हुण तां बहुत ज़्यादा ही किया उन्होंने, खा पी के ते उन्होंने बहुत हंगामा किया। किन्होंने किया? मेरे घरदियां। की नाम है? घरदियां दा नाम पापा ने भी सी, भरा सी और मेरी सौतेली मम्मी है, मेरी खुद की मम्मी नहीं अपनी। ओके। हाँ जी जी। तो उन्हें करवाया, जो करवाया बड़ी भन्न तोड़ की, और मेरे भी हाथ चुके उन्होंने, प्लीज सानू अपने घर खुश रहन दवो और वो अपने घर खुश रहे, क्योंकि आप बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं ऐसे डर के मारे, क्योंकि मारन की धमकी दे रहे हैं कि इन्हों मारने जिते भी सानू दिखते हैं कुड़ी मुंडा मार देने हैं, कि मेरे घर दे ही बोल रहे हैं। जालंधर के थाना 7 के अंतर्गत आते गढ़ा रोड पर स्थित एक अस्पताल में से 3 चोर एक बाइक चोरी कर फरार हो गए। इस दौरान बाइक में पेट्रोल कम होने के कारण जब वे नज़दीकी एक पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए गए, तो तभी जिनकी बाइक चोरी हुई थी वे भी उससे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि चोर उनकी बाइक का नंबर प्लेट उतार कर पेट्रोल डलवाने के लिए मोटरसाइकिल लेकर आ रहे हैं, तभी उन्होंने शोर मचा दिया और मौके पर से एक चोर को काबू कर लिया, जबकि 2 चोर भाग निकले। वहीं इस संबंधी थाना 7 की पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद PCR टीम मौके पर पहुंची और लोगों की भीड़ में से चोर को लेकर थाने चली गई। वहीं जब इस संबंध में पुलिस से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें कंट्रोल रूम से एक फोन आया था, जब वे पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो लोगों ने एक युवक को पकड़ रखा था, लोगों का कहना था कि इसने बाइक चोरी की है, फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कैंची निकली कैंची फड़ी नहीं, आप कैंची दे मैं अपने पिम्स हॉस्पिटल अपने फ्रेंड की मदर की मेडिसिन लैन आया था, 10 मिनट के अंदर गए भाजी, ये पता नहीं उत्ते कदों की धार च खड़े है भी कोई आवे नहीं चल जाए, इन्होंने पता नहीं कि इन्हों को शस्त्र निकले, एक कैंची निकली, एक भाजी कैंची निकली, एक बाकी होर परैगा परूगा के जोड़े कैप्सूल कुप्सूल खाते हो गए वो निकले, तो बाद चो कहता जी अभी लिफ्ट ली आ इतने मौके से, मैं इन्हों तिना फड़ लिया, तिना के रुमाल बन्ने से, ठीक है जी, ये कहना मैं लिफ्ट ली आ, मेरे नाल दे 2 जने दौड़ गए इन्हू फड़ लिया। किन्ने जने सी टोटल? ये 3 जने सी। कादे ते सी भाजी? भाजी ये साडे वाले मोटरसाइकिल ते, मोटरसाइकिल भी नाल ही फड़ लिया, 2 जने दौड़ गए, ये हाथ आ गया, नंबर प्लेटा भी तोड़ दियां, जा दोस्त दा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी कर रहा सी, पिम्स लागे चोरी करके ते इत्थे फड़िया गया पेट्रोल पंप लागे, ते उहनूं इत्थे फड़ लिया पब्लिक ने, उस नाल ही कॉल करके मौके ते पहुंच गए असीं, फिर ड्यूटी अफसर दे हवाले करता जगतार सिंह दे, पिछले 9.5 वर्षों में भारतीय रेल के अंदर कई क्रांतिकारी परिवर्तन और महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं शुरू करके रेलवे की दिशा और दशा सुधारने की कोशिश की जा रही है, जिसका लाभ आने वाले समय में रेल यात्रियों को अवश्य मिलेगा। RBR सेक्शन पर दोहरीकरण के कार्य की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए अंबाला मंडल रेल प्रबंधक मनदीप सिंह भाटिया अपनी टीम सहित बरनाला रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। बरनाला रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों की गहनता से जांच पड़ताल की तथा संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर स्टेशन अधीक्षक राम स्वरूप मीणा,
वाणिज्य अधीक्षक सतपाल रंगा और व्यापार मंडल के चेयरमैन राम शरण दास गोयल ने मंडल रेल प्रबंधक मनदीप सिंह भाटिया का स्वागत किया। इस दौरान राम शरण दास गोयल ने रेलवे से जुड़ी मुख्य मांगों संबंधी ज्ञापन भी दिया, जिसे मंडल रेल प्रबंधक ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ उनका अध्ययन किया तथा अपने द्वारा पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सीनियर DOM समर्थ गुप्ता, नवीन कुमार, रितिका वशिष्ठ, अंकुर जैन, राजेंद्र गोयल, हरमीत सिंह सहित RVNL के अधिकारी, JGM अनमोल नागपाल, अशोका बिल्डकॉन के सीनियर रेजिडेंट इंजीनियर गुलशन कुमार भी उपस्थित रहे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। आज बरनाला स्टेशन का निरीक्षण करने वास्ते अंबाला के DRM सरदार मनदीप सिंह आए सन। उन्होंने बरनाले के निवासियों वालों एक मोमेंटम दिता गया, जिस विच जिहड़ा गैप हैगा 7-5 घंटे का, उस दे विच DRM चलाउण वास्ते बठिंडे तो राजपुरा, बठिंडे तो लुधियाने वास्ते मंग की गई है। जिहड़ा इंटरसिटी हरिद्वार इंटरसिटी ट्रेन है, उसका जिहड़ा रैक बदल के स्लीपर वाला रैक किया है, वो दे नाल यात्रियों नूं बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इस करके बरनाला निवासियों ने मंग की है कि वो रैक नूं बदल के जिहड़ा पहला वाला रैक सी उही लाया जाए। जालंधर में गत रात्रि एक जिम के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित साहिब जिम में वर्कआउट करने के लिए आया था और जब वह वर्कआउट कर बाहर आकर देखता है तो उसकी मोटरसाइकिल बाहर नहीं खड़ी थी। इस दौरान आसपास ढूंढने के बाद भी जब मोटरसाइकिल नहीं मिला तो पुलिस को सूचित किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए साहिब ने बताया कि वह लगभग 9:30 बजे वर्कआउट करने के लिए जिम आया था और उसके बाद भी वह 10 से 15 मिनट बाहर खड़ा रहा। फिर वह वर्कआउट करने के लिए जिम के अंदर चला गया और जब वापस आया तो देखा कि बाइक वहां खड़ी नहीं थी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सरदार जी, एक बाइक चढ़ाया, चोरी होया, की मामला सारा? मामला मौके पे पहुंचे ते इन्हां दी पूछ लिया, इन्हां नूं एड्रेस ले लिया इन्हां दा जी, ते कंप्लेंट सवेरे दे देणगे ते जिहड़े मौके दे बैंक ने इह इन्हां दे कैमरे सवेरे चेक कर लांगे। सर, कंप्लेंटर दा नाम की है? जिन्हां वाले कंप्लेंट? साहिब जी। साहिब जी कित्थे दे रहण वाले ने? कैंट दे। हां जी, कंप्लेंट ने कहिंदे सवेरे देवांगे आपां। ठीक है जी, फिलहाल आपां मौके ते आ गए हां जी। जी, मौके ते आ के जिहड़ी बनदी कारवाई इहनां तों पुछ लिया भई, इह कहिंदे कंप्लेंट सवेरे दे देंगे। केड़ी जगह है जिथे चोरी होया? इह आपणा बैंक पैंदा जी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, ਇੱਥੇ ਕੀ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਮ 'ਚ ਆਏ ਸੀ? ਜਿਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਿਮ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੌਕ ਲਗਾ ਕੇ ਗਿਆ, 5-10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ 9:45 ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ थाने कंप्लेंट लिखा के फिर तुसी सर्च कर सकते। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पर्व को समर्पित फूलों की सजावट का काम शुरू हो गया है। देश विदेश के 2000 क्विंटल फूल इस सजावट में इस्तेमाल किए जाएंगे। कोलकाता और उत्तर प्रदेश से 100 कारीगर यहां पहुंच चुके हैं, जो 16 सितम्बर को प्रकाश पर्व से पहले दिन रात काम करते हुए 15 सितम्बर की रात तक फूलों की सजावट को पूर्ण करेंगे। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब का कोना कोना फूलों से सजाया जाएगा। वहीं यहां आए कारीगरों का कहना है कि 50 तरह के फूलों से हरिमंदिर साहिब को सजाया जा रहा है। वहीं श्री हरिमंदिर साहिब में आने वाली संगतों ने कहा कि उन्हें बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर मन को बहुत खुशी मिल रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। इस मौके पे आम नालों 4-5 गुना संगत श्री हरिमंदर साहब विखे इस पुरब न मना वास्ते आईया हैं। इस दिन गुरद्वारा श्री रामसर साहब तो सचखंड श्री हरिमंदर साहब तक नगर कीर्तन सजाया जाता है, जिस विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप लैके
सचखंड श्री हरिमंदर साहब आंदा है ते संगतां उस नगर कीर्तन विच हजारां दी गिनती विच शामिल हो के गुरु साहब नूं श्रद्धा दे फुल भेट करदियां हन। उत्थे बाहरले मुल्कां तों आ के जिहड़ा फुल्लां दी सजावट है ਉਹ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੀਂ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਣ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਨਸ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ कितना फूल जहाँ पर लगेगा और कितने कारीगर लगेंगे? कारीगर तो 100 आया हुआ है दिल्ली से, और जहाँ हर बार लगता है वहीं इस बार भी होगा पूरा। तो कितनी तरह के फूल लगाए जाएंगे? 40-50 तरीके का वैरायटी, 40-50 तरीके का वैरायटी का फूल आया हुआ है टोटल। दिल्ली से भी आया हुआ है, इंडिया का बाहर का भी फूल है, जहाँ का जो फेमस है वहाँ का वो फूल। कितने दिन लगेंगे ऐसे काम? आज रात कल सुबह तक का, आज रात तक का लगभग हो जाएगा। बाहर के कौन कौन से देश से फूल मंगाए गए? थाईलैंड से आया हुआ ज़्यादातर। किस तरह का माहौल देखने को मिला, कितनी सजावट हुई? हाँ जी, बहुत सजावट तो बहुत बढ़िया हुई है, वेख के बड़ी खुशी हुई। गुरु घर आन के तुम पता ही है, आप ही बंदा खुश हो जाता वा। हाँ जी, बहुत खुश है आज। तो किन्ने तरह के फूल जड़े इतने लगाए? ये तो अदबू जी ने नज़ारा वा, ये तो आप कुछ कह नहीं सकते किन्ने तरह के फूल आ। ये तो हर कलर के फुल आ इतने वेखन। संगरूर में हुई भारी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं 2 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया, जिस कारण घरों और दुकानों में भी पानी भर गया, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। बारिश होने के नाल जिहड़ा है इक तां लोगों को गर्मी तो बड़ी राहत मिली है, तो पिछले कई दिनों तो जिहड़ी उमस भरी गर्मी पै रही थी संगरूर च, आले दुआले इलाके च मीह पै रहा थी पर संगरूर च नहीं पिया। अज सवेर तो भी जिहड़ा मौसम बड़ा सुहावना बनाया सीगा, जिहड़ी बारिश हुई है कि लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय तो बारिश हो रही है, जिस करके लोगों को गर्मी तो राहत मिली है। पर इस दे नाल ही जिहड़ा पानी जिहड़ा उह सारे शहर विच भर चुका ते सारा शहर डुब चुका, जिहदे नाल लोगों को परेशानी का भी सामना करना पै रहा। श्री बांके बिहारी भागवत प्रचार समिति की ओर से साईं दास स्कूल की ग्राउंड में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन की शुरुआत श्रीमद् भागवत नंद उत्सव के साथ हुई। कथा के चौथे दिन कथावाचक विश्व विख्यात भागवत कथा व्यास श्रद्धेय आचार्य गौरव कृष्ण महाराज ने कथा की शुरुआत सुंदर भजन सुनाकर की। वहीं उन्होंने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित प्रभु भक्तों को कहा कि भगवान को रिझाने के लिए पदार्थ तो दे देते हैं लेकिन प्रेम नहीं देते। भक्त भगवान को सब कुछ लाकर दे देता है और प्यार बिल्कुल नहीं देता। जहां भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं वहां श्रीमद् भागवत है। इस अवसर पर पूर्व CPS KD भंडारी श्री बांके बिहारी भागवत प्रचार समिति के अध्यक्ष ब्रिजेश जुनेजा, प्रधान सुनील नैयर, उप प्रधान एडवोकेट उमेश ओहरी, महासचिव संदीप मलिक, कोषाध्यक्ष चंदन वडेरा, उप कोषाध्यक्ष ब्रिजमोहन चड्डा, विशेष सलाहकार महेश मखीजा, सह सचिव नरेंद्र वर्मा, बलविंदर शर्मा, रिंकू मल्होत्रा, संजय सहगल, भूपेंद्र सिंह बिल्ला, अश्विनी कुमार आशु, अंकुश जुनेजा, विकास ग्रोवर, राहुल बारी, राजवंश मल्होत्रा, राजेश बीगामल, तरुण सरीन, अरुण मल्होत्रा, दविंदर अरोड़ा, राजकुमार शर्मा, जितेंद्र कुमार सोनू, हेमंत थापर, विनोद खेड़ा, सुमित गोयल, सोनू चोपड़ा, दविंदर वर्मा, राजू मखीजा, शिवम मखीजा सहित बड़ी संख्या में प्रभु भक्त शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। अच्छा कहाँ मिले ये भी तो बताओ। कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, किसी ने कहा कि शायद घर में मिल जाएं, कोई बोला नहीं घर में नहीं मिलते, घर छोड़ के वन में जाओ तो वन में मिलेंगे, किसी ने कहा घर में, किसी ने कहा वन में, लेकिन मीरा बाई कहती हैं कि मुझे न घर में मिले न वन में मिले, बोले मुझे तो राधा रानी के चरणों में बैठकर चरण दबाते हुए वृंदावन में प्राप्त हो गए।
आप जाकर देखो वृंदावन में कभी सेवा कुंज में बांके बिहारी राधा रानी के चरण दबाए। कि कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, वो तो राधा संग किलो मायरी मैंने लीनो गोविंद। मैंने तो खरीद लिया, मुझे श्री राधा रानी के साथ मिल गए। तो लोगों ने कहा ठीक है मीरा जी, हम आपकी हर बात समझ गए, हमने मान लिया कि तुमने खरीद लिया, हम समझ गए बिल्कुल तुम्हारे भाव को, आपने तोल के लिया, मोल के लिया, राधा के साथ आपको गिरधारी प्राप्त हो गए, गोपाल मिल गए। लेकिन लोगों ने कहा कि अंतिम बात बता दो बस हमें, कि तुम बार बार कहती हो लीनो गोविंदा मोल, लीनो गोविंदा मोल, तो मीरा ये तो बताओ कि तुमने जब खरीदा बिहारी जी को तो तुमने मोल क्या चुकाया? उत्सव में सम्मिलित हो जाइए, गोपी ग्वाल बाल सब महाराज दौड़े चले आ रहे हैं। राजकुमारी महाजन का गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार हरनामदासपुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। इस दौरान स्वर्गीय राजकुमारी महाजन को मुखाग्नि उनके बड़े बेटे ने दी,
इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों में राकेश महाजन, विनीत महाजन, विवेक महाजन, अंकुर महाजन सहित राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय राजकुमारी महाजन को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के पीएपी चौक में लुटेरों ने सैलून मालिक को बनाया निशाना, सोने की चेन, 20,000 की नकदी लूट हुए फरार। जालंधर के लेदर कॉम्प्लेक्स रोड के मोड़ पर क्रशर गाड़ी के पिछले टायरों की चपेट में आए भाई बहन, दोनों गंभीर रूप से हुए घायल। जालंधर के हरदयाल नगर में लव मैरिज से गुस्साए लड़की के परिजनों ने पति पत्नी पर किया हमला, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।